मेरी बंदूक कहाँ है? बागेन? कौन है? बागेन, बागेन की आवाज है। तो ये बाजू में ही हमारे बागेन है। Hey guys, this is Ansh Bagri. आप लोग मुझे देख रहे हैं देसी फीड पे। आप देख रहे हैं कि धूप में घूम घूम के काला हो गया हूँ। मैं जंगल के अंदर 70% 80% जंगल में रहता हूँ और जो बाकी के 10-15% है वो जंगल के रास्तों पे। तो बेसिकली जंगल में ही रहता हूँ मैं। तो हम एक बागिन को ढूंढ रहे हैं, तो बस उस बागिन को पकड़ना है और उसी के लिए लुक है पूरा। मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है देवा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है। तो इस तरीके से लुक आप देख रहे हैं मेरी। तो वैसे मैं जब देवा पहले बहुत गोरा था क्योंकि वो जंगलों में बहुत घूमता है, तो जंगलों में घूम के थोड़ा सा टैन हो गया। और जो इस आपको बागिन की आवाज़ आई, देखो मेरी बंदूक कहाँ है? बागिन? कौन है? बागिन, बागिन की आवाज़ आई। तो ये बाजू में ही हमारे बागिन है। तो अभी हम जो बाजू वाला जो वैनिटी है साथ में ही, वो जो हमारी शो की बागिन है, वो बीच बीच में उसकी आवाज़ आती है और वो तो क्या बात हम लोग का कॉन्सेप्ट, शो का कॉन्सेप्ट। तो शो का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है एक्चुअली। और ऐसा है कि मैं इसको डेली सोप तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि डेली सोप जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ यू नो, हम लोगों ने 90s में एक फिल्म थी जो मैंने देखी थी, मतलब कॉन्सेप्ट जो जुनून फिल्म जो थी, उसमें जो इंसान होता है ट्रांसफॉर्म होकर टाइगर बनता है। तो वो 90s में थी और बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट था जब वो फिल्म भी आई थी उस टाइम पे, एंड वेरी डिफरेंट। तो उसको आज के अभी, क्योंकि टीवी पे ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा कॉन्सेप्ट टीवी पे कभी नहीं हुआ है, इवन वेब शो में कभी नहीं हुआ है। आई थिंक सिर्फ एक फिल्म आई है लास्ट ईयर, कुछ भेड़िया पे जो फिल्म आई है। तो बट दैट इज़ अगेन डिफरेंट एंड दिस वन इज़ वेरी वेरी रॉ। जिस तरीके से आप मेरा लुक भी देखेंगे और जो पूरा शो का जो कॉन्सेप्ट है, वेरी रॉ एंड वेरी लुक्स वेरी रियल। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट और प्लस वो वर्ल्ड जो क्रिएट किया है, वो अच्छा वर्ल्ड क्रिएट हुआ है। जो भी हमारी टीम है हमारी, और जो राइटर्स की हैं, क्रिएटिव्स की हैं, डायरेक्टर हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत डिफरेंट है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली ऑडियंस को दिखाने के लिए। जिस तरीके से हम लोगों ने सीन सीक्वेंस शूट किए हैं, बहुत डिफिकल्ट शो है एक्चुअली ये। मतलब नॉर्मली हम लोग शूट करते हैं तो क्या होता है कि सीन शूट कर लिए ख़त्म हो गया, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम लोग को जंगल वंगल में शूट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, बहुत भागा दौड़ी धूप के अंदर। और प्लस जो बागिन के साथ जो शूट करते हैं, रियल बागिन तो है नहीं, तो हम लोग डबल शूट करते हैं। और बागिन को इमेजिन करना पड़ता है क्योंकि बागिन है वो लास्ट में आएंगी CGI से, वैसा उसको क्रिएट करेंगे। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट शो है ये, बट इसीलिए बहुत मज़ा भी आ रहा है। तो ऐसा टिपिकल सास बहू नहीं है। और कॉन्सेप्ट जो है वो, जैसे कि फर्स्ट सीजन जो है वो कुछ 100 episodes का है, तो ऐसा नहीं है कि यूजुअली जो TV पे हम लोग देखते हैं कि एक स्टोरी कहानी शुरू हुई है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, 7 साल हो चुके हैं। ऑडियंस का हमारा टेस्ट बदल गया है, तो अभी सब वैसा ऑडियंस को भी चाहिए कि एक फिनिश, एक कॉन्सेप्ट हो, स्टोरी हो जिसका एंड हो, एक
तो वो सब है इसके अंदर। 100 एपिसोड्स में हम लोग जो फर्स्ट सीजन है वो इसका फिनिश होगा। तो स्टोरी लाइन वगैरह बहुत ही पेस पे चलती है और जो रिवेंज ड्रामा है ये, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और ऑडियंस के लिए जो हमारी टीवी की ऑडियंस है उसके लिए, और प्लस जो टीवी प्लस वेब जो है, सो आई थिंक ये जो जो इस कॉन्सेप्ट है और ये है, ये टीवी के ऑडियंस को भी प्लस वेब के लिए भी जो ऑडियंस है वो बहुत एक्साइटिंग होगा उन सब के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली मेरे लुक को लेके, बहुत मेहनत भी की है इसमें क्योंकि फॉर 5 मंथ्स आई थिंक इसका प्रिपरेशन था, शूट थोड़ा डिले हो गया था हमारा उस चक्कर में, तो मेरे को थोड़ा मौका मिल गया था बिकॉज मेरे को अपने इंट्रोडक्शन सीन में शर्ट उतारनी थी, उसके लिए भी सर्टन एक बॉडी करने भी ज़रूरी है ताकि थोड़ा शर्ट उतारे तो अच्छा लगे, और तो उसके लिए थोड़ी मेहनत की क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेरॉइड्स वगैरह तो लिए नहीं मैंने, ना मैं बिलीव करता, तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो वो की मैंने। और आई एम वेरी एक्साइटेड कि लोग देखें और जो हमने क्रिएट किया है एक कुछ एपिक वो लोग देखें, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। हालांकि थोड़ा सा अभी और वक्त लगेगा लोगों तक पहुँचने में, बट ज़्यादा नहीं है, बस बहुत चल रहा है हम लोग। यस, आपकी जो मेहनत है वो जरूर ऑडियंस देखेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आज अंगनी का बर्थडे है, बहुत समय से आप लोगों ने शूट किया है, काफी टाइम स्पेंड किया रहेगा साथ में, सो क्या स्पेशल आप आपकी तरफ से करने वाले हो सेट पे, और कुछ सरप्राइज वगैरह है उनके लिए? सरप्राइज तो एक्चुअली क्या है ना, उसका बर्थडे, ये बर्थडे मंथ है उसका, तो सरप्राइज तब होता है जब सामने वाले को लगे कि शायद किसी को पता नहीं है और फिर एकदम सरप्राइज कर दे। तो अनेरी हमें हर सेकंड हर मिनट रिमाइंडर देती रहती है, तो सरप्राइज कुछ नहीं बचा सरप्राइज। और बट ये है, हाँ बहुत एक्साइटेड है हम लोग आज के लिए बिकॉज उसका बर्थडे है, तो हम लोगों ने सेलिब्रेट मतलब विश किया, आते ही विश किया उसके लिए। और अभी तो अनेरी ने पूरी क्रू के लिए लंच रखा है, तो हम लोग सब मिलके साथ में लंच करने वाले हैं, उसके बाद केक कटिंग वगैरह करेंगे। और थोड़ा सा माहौल आज जो सेट का है बहुत फेस्टिव सा है थोड़ा बिकॉज ऑफ अवर बर्थडे, और तो बस वही है, ये थोड़ा सा है। और बिकॉज हम लोग साथ में शूट भी कर रहे हैं, इट्स बीन लाइक 1.5 मंथ्स जब तक, जब फेब्रवरी से हम लोग शूट कर रहे हैं साथ में, तो बड़ा हम लोग एक्चुअली क्या है ना कि एक तो हम लोग जितने भी एक्टर्स हैं वो सब अच्छे जेलप हो गए हैं, और बहुत मस्ती साथ में खाना खाते हैं हम लोग, और बहुत एक्साइटेड होते हैं। यूजुअली क्या होता है सेट पे, कभी कभी ऐसा माहौल थोड़ा गर्म वरम हो जाता है और जेलप होने में, बट यहाँ पे हम लोग का जो एक्टर्स के साथ है ना, बहुत ही हम लोग मिलजुल के मस्ती वस्ती करते हैं साथ में, तो आज बिकॉज उसका बर्थडे भी है आज, तो मस्ती चालू है। लंच के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, और क्योंकि जो मेरा शर्ट उतारने वाला सीन है वो हो चुका है, तो मैं थोड़ा मैं चीट कर लेता हूँ अभी खाने के लिए। तो आज का जो मेन्यू है उसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, पता नहीं, सुना है कि बहुत ही अलग अलग तरीके के पकवान हैं, अलग अलग तरीके का साउथ इंडियन फूड है, और लेट्स सी अभी देखते हैं कि मेन्यू में क्या क्या है, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। मैं भी ये भी जानना चाहती थी कि अभी जो है काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, जैसे कि अजरंगी है, नेटफ्लिक्स, अमेजोन एंड बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, सो एज एन एक्टर ये चूज करना काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें काम करना है, या आपके लिए भी ऑप्शंस काफ़ी बढ़ गए रहेंगे कि ये भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी काम करते हैं, सो आपको जो पर्टिकुलर चूज ही है? नहीं यार, चूजी तो बस ये है कि मतलब चूजी एज इन ऐसा थोड़ा सा ऐसा चूज़ नहीं करना कि कौन सा प्लेटफॉर्म है वैसा, क्योंकि मुझे लगता है एज एन एक्टर आप प्लेटफॉर्म नहीं देखते, आप ये देखते हो कि प्रोडक्ट जो आपके पास आपको ऑफर किया जा रहा है आप कितने एक्साइटेड हो उसको करने के लिए। तो मैं प्लेटफॉर्म को लेके चूज ही नहीं हूँ, और वो कहते हैं ना बैगर्स कांट बी चूजर्स, तो अभी वैसा भी है तो लेकिन डेफिनेटली प्लेटफॉर्म को लेके चूज ही नहीं हूँ, बट कॉन्सेप्ट को लेके कि जो मेरे को अगर ऑफर किया जा रहा है तो अगर मैं एक्साइटेड हूँ तो इट डजेंट मैटर प्लेटफॉर्म कौन सा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे लगता है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आप कहीं भी डालो यार, कहीं भी डालो, यूट्यूब पे डाल दो आप, वहाँ से हिट हो जाते हैं,
वहां से कितने बड़े बड़े शोज बने हैं सिर्फ यूट्यूब से, जो कि बाद में उनके सीजन्स दूसरे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आए हैं। तो आजकल की जो ऑडियंस है मुझे लगता है वो ये नहीं देखती कि कौन से प्लेटफॉर्म पे, वो सिर्फ कंटेंट देखती है। चाहे आप 2 मिनट का वीडियो डाल दो, कंटेंट अच्छा है तो वो वायरल हो जाता है। तो एज लॉन्ग कॉन्सेप्ट अच्छा है, मुझे एक्साइट कर रहा है कि यार मुझे ये करना चाहिए, तो मैं अपना जोर लगाता हूँ कि यार मुझे मिल जाए वो, और मिल जाता है। जैसे कि ये वाला मिल गया तो फिर करने में मज़ा भी आता है एज एन आर्टिस्ट। बागिन सीरीज अभी तो देखो शूट चालू है हम लोग का, तो मुझे डेट का भी कंफर्मेशन नहीं है कि कब आने वाली है, बट ऐसा लगता है कि इट शुड बी आउट इन अ मंथ ऑफ अप्रैल एंड ऑफ मे मे बी। बट इसका जो लुक है, फर्स्ट लुक वगैरह है, वो शायद जल्दी सरप्राइज मिले ऑडियंस को। और अतरंगी का जो है शो है ये, तो अतरंगी के ऐप पे आने वाला है, अतरंगी के चैनल पे आने वाला है। और उसके अलावा शायद जो कोलैबोरेशन और भी कई प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आने का है, जिसके बारे में अभी नॉलेज नहीं है अभी, बट यस जहाँ भी आने वाला है अतरंगी के अलावा, हम अपनी ऑडियंस को तो बता ही देंगे क्योंकि उन्हीं के लिए बना रहे हैं हम।